अगली खबर इंदौर से है, जहां तेजाजी नगर बाईपास पर सड़क हादसे में घायल 11 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। उसे गंभीर अवस्था में एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे के पिता की मंगलवार रात ही मौत हो गई थी। दोनों को अंधगत से जा रहे डंपर ने चपेट में ले लिया था। तेजाजी नगर थाना प्रभारी आरडी कानवा के मुताबिक सोमवार रात कैलोत करताल मोड़ पर बाइक सवार मोर सिंह और उसके 11 वर्षीय बच्चे आरव को डंपर ने टक्कर मार दी थी। मोर सिंह की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चे को गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया था। देर रात आरव ने भी दम तोड़ दिया। एसआई एआर खान के मुताबिक मूलतः विष्णु बडली निवासी 35 वर्षीय मोर सिंह कैलोद में ही केसर सिंह राठौर के यहाँ काम करता था। रात को बेटे के साथ सामान लेकर लौट रहा था। ब्रिज पर मोड़ जैसे ही मुड़ा, डंपर ने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोर सिंह और आरव तो दूर जाकर गिरे, जबकि बाइक डंपर में ही फंस गई। चालक ने डंपर रोका ही नहीं और करीब 200 मीटर दूर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। इस कारण बाइक ने आग पकड़ ली और डंपर भी धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें उठते देख चालक डंपर चालू हालत में छोड़कर भाग गया। टीआईआरडी कानवा के मुताबिक ब्रिज निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया और एक रास्ता निकाल दिया था। इस कारण ग्रामीण सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। ब्रिज पर आने वाले भारी वाहन तेज गति से आते हैं और अक्सर घटना घट जाती है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।